जी T20 कनाडा जो T20 लीग है वो अब वक्त आ गया है, और इसके स्टार्टिंग का अगर आप बात करें तो कल जो है बहुत सुबह सुबह ही मैचेस ये होने हैं। आप देख लें, आज रात को आप ना कहें इसे, कल सुबह कहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कल मेरे ख्याल से 1:30 बजे है पहले जी हाँ, मैच देर रात यहाँ, को और कनाडा यूएसए की हम टाइमिंग्स वगैरह जानते ही हैं आप बिल्कुल। लोग कि सुबह सुबह ही बहुत ज्यादा मैचेस आप देखने को मिलेंगे और देर रात भी मैचेस हैं। खैर, टाइमिंग की बात हम कम्युनिटी में आपके सामने रखेंगे, लेकिन G20 कनाडा में इस बार भी कहीं ना कहीं बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन जरूर प्लेयर्स हैं, बिल्कुल उनको मौका मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि G20 कनाडा में एक चीज बहुत बेहतर है, वो है कि सिर्फ नाम के लिए उन्हें पिक नहीं किया कर लिया जाता स्क्वाड में कि डगआउट में वो बैठ ही रह जाए, यहाँ पर लिटरली मौके भी मिलते जरूर हैं बिल्कुल ऐसे प्लेयर्स को। और इसीलिए हमने सोचा था कि इस बार कहीं ना कहीं इस लीग के बारे में, लीग के बारे में नहीं, लीग में एसोसिएट प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के सर। बारे में आपके सामने हम सारी रिपोर्ट रखेंगे, बात बहुत करेंगे, कम्युनिटी वगैरह में भी सारे अपडेट्स हम आपको देंगे, वीडियोस के थ्रू भी आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। एंड सबसे पहले वापस से एक बार सबको रिमाइंड करा देते हैं कि कितने प्लेयर्स इस G20 कनाडा में एसोसिएट प्लेयर्स होने वाले हैं और कौन कौन से प्लेयर्स। जरूर, देखिए 6 टीमें हैं और 6 टीमों में चार चार जो प्लेयर्स हैं एसोसिएट के रखे गए हैं ऑल ओवर दी क्रिकेट कंट्रीज से, एसोसिएट कंट्रीज से अगर हम बात करें 24 प्लेयर इसमें एसोसिएट के हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी एक जो एक नंबर है एसोसिएट के जो हमें दिखेंगे इस G20 T20 कैनेडा। बिल्कुल, वही अगर प्लेयर्स की बात की जाए तो वहां पर जो प्लेयर्स की लिस्ट है, इन 24 प्लेयर्स की जो आप बात कर रहे हैं, हमने इससे पहले भी रिमाइंड कराई हुई है, बहुत लोग इसके बारे में जानते भी हैं, लेकिन फिर भी चलिए एक बार और रिमाइंड करा देते हैं कि आखिर वो 24 प्लेयर्स कौन से हैं, क्योंकि इनमें से एक प्लेयर है जो आप इस लीग में नहीं खेलेंगे, उनको किसी प्लेयर ने रिप्लेस कर दिया है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे, ऑलरेडी कल बता चुके हैं, वापस से रिमाइंड कराएंगे एंड वो 24 प्लेयर्स। जरूर देखिए, अगर शुरुआत करें ध्यान एरास्मस, बेन मेनाटी जो इटली के हैं, जी जी हाँ, और अयान अफजल खान, जहूर खान, ये 4 प्लेयर हैं। वहीं हरमीत सिंह, ब्रैंडन मैकमिलन, लोगान वैन बीक और विक्रमजीत सिंह, ये और 4 प्लेयर्स हैं। वहीं पर बात करें संदीप लामिचानी, दीपेंद्र सिंह एरी, पॉल वैन मैकरेन और रुबेल ट्रम्पलमैन की जगह रिची बैरिंगटन अब यहाँ पर हमें खेलते हुए नजर आएंगे। वो चोटिल हैं, वो बिल्कुल इंजरी से इस वक्त जूझ रहे हैं, वो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर। बिल्कुल, वही आगे बात करें जवादुल्ला, मोहम्मद जवादुल्ला जो कि यूएई से हैं, जी उसके हाँ बाद जॉर्ज मनसे और आर्यन दत्त और जैक जार्विस, ये भी कहीं ना कहीं खेलते हुए नजर आएंगे। उसके बाद देखें एंड्रिस ग्रॉस, जी हाँ, जो सबसे बेहतरीन परफॉर्मर थे बिल्कुल, T20 वर्ल्ड कप में एसोसिएट्स की, जो अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ। उसके बाद जुनैद सिद्दीकी, रोहित रोहित खान, जी हाँ, रोहित खान और रोहित पुड़ैल, जी हाँ, बिल्कुल रोहित पुड़ैल जो कि नेपाल टीम के कैप्टन है, वो भी इसमें यहाँ पे G20 में हमें खेलते हुए नजर आएंगे। उसके बाद लास्ट प्लेयर्स की बात करें, मोहम्मद वसीम, नव पवरेजा, फरहान खान और डेविड वीज, यानी नव पवरेजा और फरहान खान, ये दोनों के दोनों यूएई के जी प्लेयर्स है, डोमेस्टिक अभी तक, अभी इनका इंटरनेशनल डेब्यू नहीं हुआ है, लेकिन ये भी यूएई के प्लेयर यहाँ पर हो जाते हैं। और इनके साथ साथ जो कनाडा के प्लेयर्स यहाँ पर रहेंगे वो तो रहेंगे ही रहेंगे, तो जरूर जब हम सर, रिपोर्ट आपके सामने प्रेजेंट करेंगे तो उनकी भी रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे, ऑब्वियस सी ऑब्वियसली बात है, तो वो भी कहीं ना कहीं एशियन प्लेयर्स ही यहाँ पर हो जाते हैं। तो ये 24 प्लेयर्स हैं जो इस T20 कनाडा में हम खेलते हुए नजर आएंगे, अदर देन कनाडा के जो लोकल प्लेयर्स हैं उनके, उनको अगर हटा के बात करें। एंड इसमें से मैं अगर आपसे पूछना चाहूं कि आपको क्या लगता है कि तो आपके 5 प्लेयर्स जिन जिनसे आपको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है इस T20 लीग में कि ये बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन आपके किन 5 नामों पर जाना जाएगा। नहीं जरूर देखिए, पहला नाम मेरा होगा जहूर खान का, और दूसरा नाम लोगान वैन बीक, तीसरा नाम संदीप लामिचाने, चौथा नाम जॉर्ज मनसे और पांचवा नाम मोहम्मद वसीम का। इन 5 प्लेयरों से एक्सपेक्टेशन रहेगी कि ये बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दे और इस टूर्नामेंट में बहुत उभर कर निकल कर आए। आपके क्या नाम है? बिल्कुल, मेरे अगर नाम की अगर बात करें तो जो आपकी जो लिस्ट यहाँ पर है उसमें अगर आप देखें तो संदीप लामिचाने, जॉर्ज मनसे और मोहम्मद वसीम, वो मेरे भी सेम कहीं ना कहीं रहेंगे, लेकिन जो दो मैं वहाँ पर चेंज करना चाहूंगा वो है जहूर खान की जगह मैं यहाँ पर गिरार रास्मस को इंक्लूड बिल्कुल करूंगा, और लोगान वैन बीक की जगह मैं यहाँ पर दीपेंद्र सिंह एरी को इंक्लूड करूंगा, क्योंकि दीपेंद्र सिंह एरी का जो पिछला जो इवेंट G20 वो खेलने आए थे वो काफी अच्छा गया था, बेहतर गया था, और ऐसा नहीं कि पहला अच्छा गया था तो ये भी अच्छा जाएगा या पहला खराब गया था तो ये भी खराब जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी दीपेंद्र सिंह जो कि ऑलराउंड शो बिल्कुल उनका देखने को मिले, जी पूरी एक्सपेक्टेशन उस बात की रहेगी कि अच्छी परफॉर्मेंस उनकी तरफ से निकलकर यहाँ पर जरूर आए। तो मेरे 5 जो जिसमें मुझे सबसे एक्सपेक्टेशन रहेगी वो रहेंगे गिरार रास्मस, दीपेंद्र सिंह एरी, बाकी एज यूजुअल आपकी तरह संदीप लामिचाने, जॉर्ज मनसे और मोहम्मद वसीम,
देखते ही बनेगा जब जॉर्ज बंसे वगैरह मैदान में उतरेंगे, संदीप है, दीपेंद्र है, बाकी सब 24 प्लेयर्स भी कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा बैंड बनाती है कैसी परफॉर्मेंस देते हैं अगर उन्हें मौका यहाँ पर मिल पाता है, क्या कहेंगे आप? और जवादुल्लाह एक मीडियम पेसर है, उनको भी देखना होगा किस तरीके से काफी वक्त बाद वो आएंगे, क्या वो परफॉर्म कर पाएंगे, कैसा होगा परफॉर्मेंस, तो जरूर है काफी बेहतर प्लेयर है। अयान अफजल खान भी, जैक जार्विस भी है यहाँ पर, ब्रैंडन मैकुलम जो यंग कैटेगरीज में जरूर पहले इस G20 कैनेडा में जा रहे हैं, वो इस एक नए एनवायरनमेंट में खेलने के लिए जा रहे हैं नई जगह पर, तो वो भी देखना होगा किस तरीके से वो परफॉर्म करते हैं अगर उन्हें मौका मिलता। बिल्कुल, एक नाम और जिस पे नजर रहेगी वो है मोहम्मद वसीम। आप सोचेंगे कि मोहम्मद वसीम पे तो नजर रहेगी बहुत अभिषेक, लेकिन आपको बता दें पिछला जो G20 कैनेडा था वो उनका डिजास्टर गया। बिल्कुल, बहुत ही बुरा गया था, मेरे ख्याल सिर्फ 9 की एवरेज थी उनकी 6-5 मैचेस खेलने के बाद, बहुत ही पुअर गया था, इसलिए नजर रहेगी क्या इस बार वो अपना ग्राफ उठा पाते। नो डाउट बेहतरीन T20 के बैट्समैन है और उम्मीद रहेगी कि वो कम से कम अपना ग्राफ उठाए, लेकिन जो जो मेजर 5-5 एक्सपेक्टेशन हमारे वाले प्लेयर है वो हमने आपके सामने रख दिए। आपको क्या लगता है अगर आपको पिक करने हैं कि कौन से 5 प्लेयर्स इन 24 प्लेयर्स में से सबसे ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस देने में कामयाब होंगे, कमेंट बॉक्स ओपन है, अपने अपने 5 नाम जरूर कमेंट बॉक्स में रखिए और डेल क्रिकेट चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करिए, क्योंकि G20 कनाडा की एसोसिएट्स की कंप्लीट कवरेज आपके सामने डेल क्रिकेट पहली बार प्रोवाइड करने जा रहा है। और जब आपको पता है कि जब हम कवरेज आपके सामने प्रेजेंट करते हैं तो पूरी तरह से करते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी डिस्कशंस आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए डेल क्रिकेट चैनल के साथ।